हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल गया है। पोस्ट की बात कर तो गाइस, माउंटेन आर्म पुलिस का पोस्ट निकल गया है, यानी घुड़सवारी के पोस्ट का गाइस वैकेंसी निकल गया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी अप्लाई के लिए क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एंड क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, प्लस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन गाइस मांग रख के उसी बिहाफ पे गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है, आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, टोटल कितना वैकेंसी निकल के है, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, ऑल गाइज हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइज, आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी ताकि आपका ऑल डाउट, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्लियर हो सके। एंड गाइज, ये नॉर्मल रिक्रूटमेंट है। एंड गाइज, जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सन के पास, तो गाइज वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक बेनिफिट गाइज आपको इसके अंदर मिलने वाला है अपन को, कि गाइज आप इसके अंदर अप्लाई करते हो तो रिटर्न के अंदर गाइज आपको 10-20 मार्क्स की गाइज इसके अंदर छूट मिलने वाली है, ठीक है, जो कि गाइज आगे बात करेंगे कि स्टेट के अंदर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कितने मार्क्स है, नेशनल लेवल पे कितने मार्क्स है, आपने पार्टिसिपेट कर रखा है तो, ठीक है। तो गाइज, जिनके पास स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन है एंड गाइज उनके पास वो सर्टिफिकेट है, तो उस हिसाब से गाइज इसके अंदर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो गाइस, जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होती है, सो नॉर्मल रिक्रूटमेंट के अंदर जो स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व होती है, तो इसके अंदर स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व नहीं आई है, ठीक है। इसके अंदर गाइस, जैसे कि आप एक तरीके से नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही गाइस आप इसके अंदर फिल करोगे, बट गाइस आपके पास जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उससे गाइस आपको मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास स्टेट या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे आपका पार्टिसिपेशन है, मेडल है ना, तो गाइस आपको इसके अंदर छूट मिल जाएगी 10 मार्क्स की, 20 मार्क्स की। जैसे कि आपके पास NCC है तो और भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई नॉर्मल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर रहा है, उसके वो कोई नॉर्मल कैंडिडेट है, उसके पास ना ही कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको इतने उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर देन, अपन को इतनी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन के पास एक स्टेट सर्टिफिकेट भी है या नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे, अपन को बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है, जो कि गाइस आगे बात करेंगे कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कितने मार्क्स गाइस इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूं। तो गाइस बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये अपनी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है, जिसकी पोस्ट की बात करें, जो कि गाइस आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि घुड़सवारी की पोस्ट का गाइस वैकेंसी निकल के है हरियाणा पुलिस की तरफ से, जो कि गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। माउंटेन आर्म्ड पुलिस के अंदर आप देख सकते हैं गाइस, कैटेगरी की वाइज गाइस वैकेंसी बटी हुई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। नॉन ESM ESP जनरल के अंदर 24 है, SA के अंदर 11 है, BCA के अंदर 8 है, BCB के अंदर 5 है, EWS के अंदर 7 है, ESM जनरल के अंदर 5 है, ESM SA के अंदर 2 है, ESM BCA के अंदर 2 है, ESM BCB के अंदर 2 है। तो गाइस टोटल 66 गाइस इसके अंदर पोस्ट निकल गई, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड गाइस, बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, द कैंडिडेट मस्ट हैव +2 फ्रॉम रिकग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूशन। तो गाइस आपने +2 आपने पास कर रखी है तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, आपने मैट्रिक की हो विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई सा भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों में से गाइस एक हो जिससे आपने मैट्रिक पास की हो, ठीक है। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू दी कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एंड गाइस, बात करें गाइस इसके अंदर सैलरी पैकेज की, तो गाइस 21,700 से गाइस इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज स्टार्ट होगा। एंड गाइस, एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, अब बात करें क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन, तो गाइस इसके अंदर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस इसके अंदर आपका रिटर्न होगा, देन आपका PMT PET होगा, फिर गाइस इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा हॉर्स राइडिंग का, ठीक है, देन गाइस आपका DV होगा, फिर मेडिकल होगा, जो कि आप देख सकते हैं। क्वालिफाइंग टेस्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेंड बाय देम इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो गाइस आपने CET दिया हो तो ही गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड देन फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, बोथ ऑफ विच शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डू सो इन सच नंबर ऑफ बैचेज एज इट डिजिम्स नेसेसरी एज टू शॉर्टलिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स
इक्वल टू फोर टाइम्स द नंबर एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ इच कैटेगरी फॉर नॉलेज टेस्ट। तो गाइस पीएमटी के अंदर आप देख सकते हैं ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की गाइस इंस्ट्रक्शन से आपको चित्र पढ़ लेने हैं। बात करें गाइस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर यानी फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट को गाइस एक ही कहते हैं, जिसके अंदर आपका देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए गाइस 2.5 किलोमीटर होगी जो कि गाइस आपको 12 मिनट्स में गाइस आपको पूरी करनी है, एंड जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं उनके लिए 1 किलोमीटर होगी जो कि 5 मिनट्स में गाइस आपको क्लियर करनी है, ठीक है। एंड गाइस नॉलेज टेस्ट है, वेस्टेज राइडिंग स्किल टेस्ट जो कि गाइस इसके अंदर आपका पीईटी के बाद देन गाइस आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि हॉर्स राइडिंग होगा, ठीक है। दिस शैल बी ए राइडिंग स्किल टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स जो कि इसके 20 मार्क्स गाइस आपको मिलने वाले हैं। दी कैंडिडेट शैल बी टेस्टेड रिगार्डिंग प्रोफेशनसी इन राइडिंग एंड अपकीप ऑफ हॉर्सेस। एंड गाइस अब बात करें स्पोर्ट्स पर्सन की जो कि आप देख सकते हैं मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन इन चैंपियनशिप मैक्सिमम 10 मार्क्स। द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स इन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल चैंपियनशिप इज एज ए अंडर। तो गाइस आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आपने गोल्ड जीत रखा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, सिल्वर मेडल है तो 9 है, ब्रॉन्ज है तो 8 है, एंड गाइस आपने नेशनल लेवल पे आपने 7 आपको मार्क्स मिलेंगे। जब यदि आपके पास गोल्ड है सिल्वर है तो 6 है, ब्रॉन्ज है तो 5 मिलेंगे नेशनल लेवल पे चैंपियनशिप में मेडल के। स्टेट चैंपियनशिप में गाइस आपका मेडल है गोल्ड तो 4 मिलेंगे, सिल्वर है तो 3 मिलेंगे, ब्रॉन्ज है तो गाइस 2 मिलेंगे। तो गाइस जिन कैंडिडेट के पास स्पोर्ट्स पर्सन के पास स्टेट लेवल का मेडल है, नेशनल लेवल का मेडल है, इंटरनेशनल लेवल का मेडल है, तो गाइस इसके अंदर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। एंड गाइस जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसके पास ना ही स्टेट मेडल है ना ही नेशनल मेडल है ना ही उसके पास इंटरनेशनल मेडल है, तो गाइस उसको गाइस मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके पास है तो गाइस आपको लेके जाना है, ठीक है। एंड गाइस अब बात करें जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी है तो गाइस उनको भी मार्क्स मिलने वाले हैं। कैंडिडेट्स हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी जो भी आपके पास है उस हिसाब से गाइस इसके अंदर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। गेट 1, 2 एंड 3 मार्क्स गाइस आपको इसके अंदर मिलने वाले ए बी सी के हिसाब से, ठीक है। एंड गाइस सिलेबस फॉर नॉलेज टेस्ट, एंड गाइस आपको एग्जाम के अंदर गाइस जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रेलिवेंट फील्ड ट्रेड ETC से रिलेटेड गाइस इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है। तो गाइस ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस है, कोई गलती नहीं करनी, जो सीक्वेंस वाइज जिस साइज के अंदर जो डॉक्यूमेंट मांग रखे उसी साइज में गाइस आपको अपलोड करने हैं। एंड गाइस अब बात करें हाउ टू अप्लाई, तो गाइस इसकी अप्लाई के लिए ऑनलाइन है। प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक ऑल द पर्टिकुलर फील्ड अप इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर गेटिंग द प्रिंट आउट टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स बिफोर फाइनली सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो गाइस आपको फिल करने से पहले अच्छी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नेम्स है वही नेम आपको फिल करना है, देन गाइस आपको आगे सबमिट करना है। एंड अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट फॉर submission of online application from before submission of the online application candidates must check that they have filled correct details in each field of the form after closing date of application no change correction modification will be allowed under any circumstances request received in this regard in any form like post fax email by hand etc. guys aapko apply iski online hai to guys 1 May 2024 hai and guys 1 April 2024 se guys iske form hai start ho jayenge theek hai to guys aapko bina deri karte guys aapko form apply kar dena hai ye nahi ki लास्ट डेट का ध्यान रखना है। जब लास्ट डेट आएगी जब भी मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा तो गाइस इससे जो सर्वे है डाउन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर रिकॉर्ड अलोंग विद अपलोड डॉक्यूमेंट्स। द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग विद ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन कॉल्ड ओपन टू डू सो बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव नॉट बी अपलोडेड shall not be attained. However, HSSC may ask an additional paper in support of already submitted document for more clarity if required. तो गाइस ये सारे instructions हैं, आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो गाइस आपको क्या क्या documents आपको upload करने हैं जो कि mandatory, आपका scan copy of SC, BCA, BCB, AWS, ESM and guys आपके गाइस scan passport size photo, signature and guys आपके all documents guys इसके अंदर आपके upload होने हैं and guys आपके documents, आपके and guys आपके domicile, तो गाइस सारी की सारी चीजें
मैंडेटरी आपको अपलोड करनी ही पड़ेगी, स्कैन कॉपी ऑफिशियल एकेडमी क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिक सर्टिफिकेट। तो गाइस सारी चीज़ गाइस आपको अपलोड करनी है, ठीक है। एंड गाइस इसके अंदर ये भी दे रखा कि भाई किस साइज़ के अंदर डॉक्यूमेंट सिग्नेचर हो गया, आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटो हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, किस साइज़ में गाइस आपको अपलोड करने हैं। तो गाइस सारी की सारी इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं अप्लाई करने से पहले। तो गाइस ये अपनी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से घुड़ सवारी का पोस्ट निकल गया, यानी माउंटेड आर्म्ड पुलिस का पोस्ट निकल गया है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ। एंड गाइस इसकी अप्लाई क्रिया ऑनलाइन है, लास्ट डेट इसकी 1/5/2024 है, एज लिमिट क्राइटेरिया 18 से लेकर 25 साल तक रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप प्लस टू आपने पास कर रखी है। एंड गाइस कोई सी भी स्ट्रीम है गाइस, आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, बट गाइस पास होनी चाहिए प्लस टू आपकी, तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस मैट्रिक के अंदर आपने हिंदी से मैट्रिक की हो या संस्कृत से मैट्रिक की हो, ठीक है, और में ऑप्शन है। एंड गाइस साथ में गाइस आपने सीईटी पास किया हो, ठीक है, तो ही गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। सैलरी पैकेज की बात करें तो गाइस इसके अंदर लेवल 3 के हिसाब से गाइस इसके अंदर सैलरी पैकेज रहने वाला है। एंड गाइस 21,700 से लेकर स्टार्ट होगा आपका। एंड टोटल वैकेंसी गाइस इसके अंदर 66 आई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस इसके अंदर रिटर्न होगा, देन आपका पीईटी पीएमटी होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, देन गाइस आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। तो गाइस ये सारा आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइस इसके अंदर कोई फीस नहीं लगने वाली है। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब लोकेशन गाइस आपकी हरियाणा रहने वाली है, ठीक है। एंड गाइस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये फायदा है कि जिन कैंडिडेट स्पोर्ट्स कैंडिडेट ने स्टेट में नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है, पार्टिसिपेशन नहीं मेडल है, तो गाइस आपको इसके अंदर मार्क्स मिलने वाली है। एंड गाइस गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन आपकी होनी चाहिए, तो ही गाइस इसके अंदर आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको अप्लाई नहीं करना है। एंड गाइस इसके अलावा फिर भी और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड गाइस जो एलिजिबल कैंडिडेट है वही इसके अंदर अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई ना करें। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइस आपको वीडियो लगे तो इसको लाइक करें। एंड गाइस जो नए व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो लाता हूं। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंच सके। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स, आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहाँ शो नहीं होता है, तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा। सरलतापुर ध्यान पर कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है। एंड गाइस आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, तो गाइस इस चैनल में गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापुर ध्यान पर आपको अपडेट करा जाता है। तो गाइस इस चैनल भी प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।